हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ होली स्पेशल नमक पारे की रेसिपी। तो आज हम फ्रेंड्स यहाँ पर बनाने वाले हैं एक ही डो से तीन तरह के नमक पारे, जो कि बनाने में बेहद ही आसान है और एक ही डो से बना रहा है, तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को ज़रूर पूरा वॉच करिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है ये, और बनाने में ये रेसिपी बहुत ही इजी है और फटाफट आप इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। और फेस्टिवल में तो स्नैक्स सभी को बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल को नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड, तो आज की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया हुआ एक बोल। अब बोल में मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर 2 कप मैदा, या फिर आप किसी भी कटोरी से मेज़रमेंट सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी लिया हुआ है मैदा, और उसमें 1/2 चम्मच मैंने डाला है यहाँ पर नमक, और साथ ही अजवाइन, क्योंकि नमक पारे में अजवाइन बहुत ही अच्छा टेस्ट करता है। और इन सभी चीज़ों को डाल करके अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर 1/4 कप मैंने ऐड किया हुआ है ऑयल। आप यहाँ पर घी भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर ऑयल यूज़ किया हुआ है। और ऑयल डालने के बाद सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा जो मैदा है ऑयल के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और आप यहाँ पर मैदे की जगह आटा भी ले सकते हैं, तो आटे से भी नमक पारे बना सकते हैं। मैदे से थोड़ा सा टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर मैदा लिया हुआ है। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे अच्छी तरीके से हम गूंद लेंगे, ताकि अच्छी तरीके से हमें एक डो तैयार हो जाए। और उसके बाद नमक पारे जो है बहुत ही खस्ता बन करके तैयार होते हैं। तो बस अभी जो डो है ऑलमोस्ट डन हो चुका है, 1 से 2 बार इस तरीके से इसे हम गूंद लेंगे। और अब हमारा जो डो है वो रेडी हो चुका है, तो बस अब इसे साइड में हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और उसके बाद हम इसी डो से तैयार करेंगे अपने नमक पारे। तो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, तो उसके बाद हम डो को लेंगे और इसे थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे, यानी कि थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए इसे मस लेंगे इसी तरीके से, ताकि हमारा जो डो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और नमक पारे हमारे बहुत ही बढ़िया बनकर के तैयार होंगे। अगर आप इस तरीके से सेम प्रोसेस यूज़ करते हैं तो आपके नमक पारे भी बहुत ही बढ़िया बनेंगे। और बस अब हम इनके पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, यानी कि मैंने यहाँ पर 3 पार्ट्स किए हुए हैं। तो 1 by 1 यहाँ पर हम नमक पारे को इसी तरीके से पेड़े बना लेंगे, और उसके बाद इसे बेलेंगे। तो बेसिकली हमें यहाँ पर इसे ज़्यादा मोटा नहीं करना है, मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा पतला ही बेलूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसकी थिकनेस जो है वो कितनी रखी हुई है। तो इस तरीके से आप सभी साइड से इसे इक्वली बेलेंगे, क्योंकि कहीं पे मोटा हो जाता है कहीं पे पतला, बट आपको यहाँ पर इक्वली इसे बेलना है। तो अभी जो है ये अच्छी तरीके से जो है वो बेल करके मैंने इस तरीके से रेडी कर लिया। थोड़ा सा कॉर्नर पे मोटा लग रहा था, तो मैंने बस इसे इस तरीके से बेल लिया। और ये देखिए, रोटी से थोड़ी सी मोटी हमारी इसकी थिकनेस है। तो बस एक लेंगे नाइफ, और नाइफ की हेल्प से इसे इस तरीके से हम पहले तो कट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर 3 तरह के नमक पारे बनाने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट हम ये बनाएंगे, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर कट लगा दिया है। और इस तरीके से हम इसे शेप देंगे, स्क्वायर शेप, या फिर आप कोई भी शेप यहाँ पर अपने अनुसार दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये शेप दिया हुआ है, इस तरीके से मैं सभी को कट कर लूँगी। और बहुत ही ईजली जो है ये निकल के भी आ जाता है। तो ये देखिए, क्योंकि हमने इसमें ऑयल डाला हुआ है, तो ये बिल्कुल भी चिपकता नहीं है, अच्छी तरीके से ये बाहर आ जाएगा। तो नाइफ की हेल्प से इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। और अभी नमक पारों को जो है साइड में मैंने कर दिया है, दूसरे पेड़े लिए हुए हैं, इसे भी हम इस तरीके से पेड़ा बना लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर तैयार करेंगे अपने दूसरी तरह के नमक पारे। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये नमक पारे बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होते हैं। तो इसे भी हमें पहले नमक पारे की तरह इसे भी हमें सबसे पहले बेलना है। और इसकी थिकनेस जो होगी वो मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से होगी। रोटी से थोड़ी सी मोटी हमें इसकी थिकनेस रखनी है, क्योंकि ये नमक पारे जो है थोड़े से मोटे बनकर के तैयार होते हैं। तो हमें इसे बहुत ही पतला नहीं बेलना है, बस इक्वली आपको बेल करके तैयार करना है। तो ये देखिए, इसकी थिकनेस जो है इतनी मोटी थी। तो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल का ढक्कन, और इस तरीके से हम यहाँ पर इसको शेप देंगे। तो सबसे पहले इस तरीके से ये देखिए कितना बढ़िया हमारा काजू का शेप इसमें आ गया है। तो ये काजू नमकीन बन करके हम इस तरीके से तैयार करेंगे। तो इसी तरीके से हाफ हाफ हम यहाँ पर कट लगाएंगे, और उसके बाद हमारे जो
नमक पारे हैं वो बन करके तैयार हो जाएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से ये निकल आते हैं और बहुत ही टेस्टी और देखने में भी बहुत ही टेम्पटिंग बन करके तैयार होते हैं, तो ये बहुत ही ईजी होता है। तो इसी तरीके से मैं अब थर्ड वाला लूँगी और थर्ड वाला बेल करके इस तरीके से तैयार कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप वन बाय वन नमक पारे बना कर भी उसे फ्राई भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर तीनों एक साथ ही बना करके रख लूँगी और सबको एक ही साथ में फ्राई करूँगी, क्योंकि इस तरीके से फिर बार बार बेलो फिर बार बार वहाँ पर तलने जाइए तो ये मुझे नहीं पसंद है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक साथ ही इसे बेल करके तैयार कर लिया है और इसकी थिकनेस जो है थोड़ी सी मोटी थी फर्स्ट वाले नमक पारे की कंपेरिजन में। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कट लगाएंगे, बहुत ही पतला पतला हमें यहाँ पर कट लगाना है क्योंकि ये नमक पारे मोटे नहीं अच्छे लगते। तो हम यहाँ पर इसे पतला पतला कट लगाएंगे और इस तरीके से हम अपने नमक पारे जो है इसे भी तैयार करेंगे। तो बस इस तरीके से हमने लंबा लंबा इसमें कट लगा लिया है और उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि इसको बीच से बस एक कट ही मारेंगे और उतना इस तरीके का नमक पारा हम इस बना करके इसे तैयार करेंगे। तो बस अब लीजिए एक कट लगा दिया था जो कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, तो बस मैंने बीच से इस तरीके के लंबा लंबा स्लाइस कट करके बीच से एक कट लगा दिया था और इस तरीके से मैंने सभी नमक पारों को तैयार करके एक अलग अलग प्लेट में रख लिया है। तो चलिए अभी चलते हैं इसे फटाफट से अब हम फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया हुआ है एक कढ़ाई और इस कढ़ाई में मैंने पहले भी एक डिश बना करके तैयार की थी जो कि मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस ऑयल को मैंने हीट होने दिया और आपको ऑयल इतना हीट होने देना है कि बस हम जब नमक पारे को ऐड करें तो हल्के से बबल्स इसमें आए, बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हीट कर देते हैं तो हमारे नमक पारे जो है वो खस्ते बन करके नहीं तैयार होंगे, क्योंकि ऊपर से कलर तो बहुत ही डार्क हो जाएगा बट अंदर से वो खस्ते बन करके नहीं तैयार होंगे। तो हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही कुक करना है ताकि धीमी धीमी आंच पे जो हमारे नमक पारे हैं वो यमी एकदम खस्ते टेक्सचर के बन करके तैयार हो। तो ये देखिए मीडियम फ्लेम पर ही मैं इसे फ्राई कर रही हूँ और सभी नमक पारे जो है वो ऊपर आ चुके हैं तल करके। तो इस तरीके से हमारे नमक पारे जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से कुक होकर के तैयार होते हैं। तो एक बार इसे इस तरीके से टर्न ज़रूर करते रहे ताकि ऊपर नीचे इवनली कलर यहाँ पर आएगा। तो अभी देखिए नमक पारों में कितना यम्मी सा कलर आ चुका है, तो इसे अब हम इस स्टेज पर डिश आउट कर लेंगे और हमारे नमक पारे जो है पहले वाले रेडी हो चुके हैं। तो नमक पारों को हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और अब इसी तेल में हम डालेंगे यहाँ पर दूसरे नमक पारे और फिर से मैंने फ्लेम को थोड़ा सा बैलेंस कंसिस्टेंसी पे आने दिया ताकि नमक पारे जो है फटाफट से नहीं सिक जाए। और ये देखिए मैं यहाँ पर अब दूसरे नमक पारे ऐड कर रही हूँ जो कि मैंने लंबे वाले बना करके रेडी किए थे ना, मैं अब उसे यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। और काजू वाले मैं सबसे लास्ट में इसलिए फ्राई कर रही हूँ ताकि वो थोड़े गर्मा गर्म रहेंगे, तो उसमें जब हम मसाले मिक्स करेंगे तो वो इजीली अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे उसमें। और ये नमक पारे भी जो है ऑलमोस्ट हमारे डन हो चुके, बस थोड़ा सा इसमें कलर और आ जाए और ये नमक पारे भी जो है वो रेडी हो जाएंगे। तो एक ही डो से इस तरीके से अगर आप तीन तीन नमक पारे एक साथ बनाते तो आपका काम भी बहुत ही ईजी हो जाएगा और बहुत ही कम समय में ये नमक पारे बना करके आप रेडी भी कर सकते हैं एक ही डो से। तो चलिए थर्ड वाला मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। तो थर्ड वाला मैंने काजू नमक पारे जो है उसे भी ऐड कर दिया है और सेम प्रोसेस से हम इसे भी फ्राई कर लेंगे। तो सारे नमक पारों को मैंने एक साथ डाल दिया और अगर इन केस नमक पारे जो है वो चिपक भी जाते हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑयल में डालने के बाद नमक पारे जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। तो अगर चिपक जाते हैं तो टेंशन की कोई भी बात नहीं है। तो ये देखिए हमारे ये भी जो नमक पारे हैं वो भी अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है और पहले इसे मैंने मीडियम फ्लेम पर कुक किया, देन मैंने यहाँ पर फ्लेम को हाई करके थोड़ा सा इसमें कलर अच्छा आने दिया और उसके बाद नमक पारे रेडी हो चुके हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो यहाँ पर हमने लिए हुए हैं काजू वाले नमक पारे, तो इसमें हम ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस जिससे कि ये थोड़े स्पाइसी बन करके तैयार होंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ हाफ चम्मच ड्राई मैंगो पाउडर, हाफ चम्मच ही मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है कश्मीरी लाल मिर्च जिससे कि ये देखने में और भी टेम्पटिंग लगे। और इसे मैंने जस्ट अभी फ्राई किया तो मसाले जो है अच्छी तरीके से इसमें कोट हो जाएंगे जिससे कि देखने में भी ये बहुत ही बेहतरीन लगे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं क्योंकि ठंडे होने के बाद मसाले जो है अच्छी तरीके से इसमें कोट नहीं होंगे, इसलिए मैंने इसको लास्ट में फ्राई किया था। और अभी ये देखिए कितने हमारे खस्ता नमक पारे बन करके तैयार हुए हैं। तो इस रेसिपी को आप भी ट्राई करिए, आपको भी बहुत ही पसंद आने वाली है और साथ साथ
इस रेसिपी में समय की भी बहुत बचत है। तो आप ट्राई करिए एंड मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करिए कि आपको ये यम्मी सी रेसिपी कैसी लगी। मुझे तो ये बहुत ही पसंद आई और मेरे घर में भी सभी को बहुत ही पसंद आई। तो आप ट्राई करिए एंड फीडबैक दीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। We'll be right back.